पीथमपुर सागौर के नजदीक ऑटो टेस्टिंग ट्रैक की बाह साइट पर सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने वाला समीपस्थ ग्राम आसूखेड़ी निवासी 55 वर्ष अंतरसीय पिता तोलाराम ढोली की हत्या अज्ञात आरोपियों ने उस वक्त कर दी थी जब वो रात्रि में अपने कमरे में सो रहा था। हत्या को आत्महत्या दिखाने के उद्देश्य से आरोपियों ने उसके मुंह पर रजाई और तकिया डालकर उसके कमरे को अंदर से बंद करके खिड़की से बाहर निकल गए थे। अगले दिन सुबह काफी देर मृतक घर नहीं पहुंचा तो उसके भतीजा गोकुल और बलराम उसके कमरे पर पहुंचे और दरवाजा अंदर से बंद होने की कोई प्रतिक्रिया न आने पर खिड़की से अंदर प्रवेश किया और उसकी मौत की जानकारी मिली, जिसकी सूचना तत्काल सागौर पुलिस को दी। पुलिस को संपत्ति विवाद के होने की आशंका भी प्रतीत हुई और यह अंधा कत्ल पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। जन बताइए, आज जो अंधे कत्ल का खुलासा हुआ है इसमें किस प्रकार की पुलिस की भूमिका रही? 16 अक्टूबर का ये जो ब्लाइंड मर्डर का केस था 2019 का, तो उसका खुलासा पुलिस ने किया है। खुलासा इस प्रकार है कि ब्लाइंड मर्डर था ये, और जो आरोपी थे वो बिल्कुल कोई भी क्लू छोड़ करके नहीं गए थे, कोई एविडेंस नहीं था हम लोग के पास में, सिवाय एक CDR थी। तो हम लोगों ने गांव के मुख्यतः जो लोग कनेक्टेड थे उस आदमी से, उन सभी लोगों को इंटरोगेट किया, उन सभी लोगों की CDR क्रॉस एनालाइज करी उनके कथन के साथ में, और फिर जो सस्पेक्ट हमको मिले उनके थ्रू हमें ये पता चला कि ये 5 लोगों की गैंग थी जिन्होंने मिलकर के काम किया था, और ये 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इन सबको कोर्ट पेश कर दिया। आरोपी को पकड़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई हो? हाँ, दिक्कत इस प्रकार आई है कि पहले इसके जो 2 भतीजे थे वो संदिग्ध आरोपी थे हमारे लिए, मतलब संदिग्ध थे, उनका सबसे ज़्यादा डाउट था क्योंकि उनका प्रॉपर्टी का फ़ायदा था इस चीज़ से। तो इस कारण से पहले उन लोगों से बहुत डीपली पूछताछ करी जा रही थी, उनको ये मान करके कि यही लोग हैं, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि उन लोगों ने जो भी बात बोली वो सही पाई गई उनके CDR के थ्रू या उनके बाकी लोगों से पूछताछ के थ्रू। तो फिर ये खुलासा हुआ कि ये लोग सच बोल रहे हैं और जो असली आरोपी कोई और है, तो फिर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो असली आरोपी है उनको पकड़ने के लिए डाइवर्ट करी। ये मामला किससे रिलेटेड था? संपत्ति कर से रिलेटेड था या किसी और? ये संपत्ति से रिलेटेड भी था, मतलब संपत्ति तो नहीं कहेंगे इसको, जो 2 लाख रुपये थे वो उसके बारे में पता था आरोपियों को, तो वो 2 लाख रुपए की चोरी के लिए था ये एक तरीके से, और बाकी जो आरोपी है वो वहाँ पर अपने गाय भैंस चराना चाहते थे तो उस जगह पर उनको फ्री एंट्री मिल पाए, तो इसके लिए उन लोगों ने मिलकर के प्लानिंग करके उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है मैम, आपका नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम अंकिता सूर्या है, मैं सागौर थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हूँ और मैं परिवीक्षा की उप पुलिस अधीक्षक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।